शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में आयोजित 5 दिवसीय गोरखपुर खेल महोत्सव का बुधवार को समापन हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के ग्राउंड पर वॉलीबॉल, कुश्ती, हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें वॉलीबॉल, कुश्ती, हॉकी के खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गोंडा सदर के विधायक प्रतीक भूषण सिंह तथा विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे, जिसके संबंध में गोंडा सदर के विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि खेल महोत्सव में 8 तरह के खेलों का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल महोत्सव के माध्यम से युवाओं की प्रतिभा सामने आएगी, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने कहा युवा खेल कूद पर ध्यान दें तथा अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। वही उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा कि यह प्रतियोगिता स्वर्गीय रविंद्र सिंह की याद में आयोजित किया गया है, खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोंडा सदर के विधायक प्रतीक भूषण सिंह तथा उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा, अगली कुश्ती के लिए प्रिंस पहलवान पक्की बात रेड कस्टम में और कहना चाहिए हमारी कुश्ती क्यों नहीं अपने लड़ाते हैं करने का मतलब आपको आप काम है इस तरह से रेड कस्टम के रेसलर का स्कोर 5 अंक है। अब ये लड़का सुनो, ये लड़का 5 कुश्ती लड़ चुका है और फिर वही क्योंकि इनका फाइनल मुकाबला होना है। जहाँ खड़ी थी वही खड़ी कर देगी। भूषण सिंह जी इस कुश्ती का हाथ अगली कुश्ती के लिए अरे पक्का हो पहले हाथ है उसके अमर शहीद रवि, प्रतीक भूषण सिंह, विधायक गोंडा एवं समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी सिंह, निदेशक खेल इस तरह से टेक्निकल सुप्रीम के रेसलर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ से आएगा पीछे यहाँ पे जब पूरी टीम आएगी रखेंगे 70 केजी में ऋषभ पहलवान मणिपुर रेड कस्टम के ओर से, गोलू पहलवान कृष्णा केजी में, राजेश पहलवान खड़ी
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आगंतुकों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बढ़िया लग रहा है, निरंतर गत से हो रहा है, बस कुछ समय और शेष। इसके बाद 5 दिनों तक चली खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत 8 प्रतियोगिताएं हुई, तो हमने इसे खेल महोत्सव का आयोजन समिति के अध्यक्ष धीरज सिंह हरी जी और सचिव आदित्य प्रताप सिंह आबू जी से अनुरोध करूंगा कि आप आज देश की सीमा से लेकर खेल के मैदान और राजनीति की शुचिता से लेकर वर्तमान में निरंतर इस परिवार की वर्तमान पीढ़ी रविंद्र सिंह जी के चित्र के समान उत्साह वर्धन कीजिए, क्योंकि निरंतर ऐसे आयोजन इस परिवार की तरफ से यहाँ पर होते रहे हैं। श्री जयराम सिंह जी, मैं क्षमा चाहूंगा, आपका नाम नहीं ले पाया के साथ हमारे राजमणि पांडे जी, श्री राम सिंह जी, विश्वकर्मा द्विवेदी जी, राधे श्याम सिंह जी, जयराम जी, एडवोकेट सब जी, भानु प्रताप सिंह जी, ओम नारायण पांडे, हमारे सभी अतिथियों, प्रतीक भूषण जी, पन्नेलाल यादव जी, दिनेश सिंह पहलवान जी, राकेश सिंह पहलवान जी, जनार्दन सिंह यादव जी, अंगवस्त्र प्रदान कर उनका सम्मान। और इस तरह से विश्व धनर पहलवान स्टैंडिंग पॉइंट पर 1-4 का स्कोर। आदित्य प्रताप सिंह जी से किया पुनः दो अंक, ये सुंदर पुष्पगुच्छ देकर 6 स्कोर, 5-6 है। और ये रेस सतीश सिंह जी से किया विशिष्ट अतिथि दूसरे आपने बनाया। अगर खेल महोत्सव में आपका आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय युवक संघ द्वारा गोरखपुर के इस स्टेडियम में आज यहाँ पर खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है और मुझे यहाँ पर शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता है। मैं धन्यवाद करता हूँ गोरखपुर के हमारे इस युवक संघ को कि उसने मुझे यहाँ पर बुलाया और इस बढ़िया एक आयोजन में मुझे सम्मिलित होने का अवसर दिया। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं को और अच्छे खिलाड़ियों से मिलकर मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि भविष्य भारत का और भारत के खिलाड़ियों का काफ़ी उज्ज्वल है और जिसमें गोरखपुर के खिलाड़ी और ये और गोरखपुर का ये स्टेडियम और गोरखपुर में आकर प्रैक्टिस करने वाले ऐसा माहौल देखकर काफ़ी इसका लाभ पाएंगे और निश्चित ये भारत के लिए और हमारे खेल प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। और मैं युवक संघ को, भारतीय युवक संघ को और इस यहाँ के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं युवाओं के लिए कहूँगा कि खेलें और कूदें, काम करें, भविष्य का लक्ष्य तय करें कि मुझे काम के प्रति क्या करना है, मुझे शरीर कैसा होना चाहिए, मेरा परिवार कैसा चलना चाहिए, मेरा देश कैसा अच्छा होना चाहिए, लक्ष्य तय कर कर उस पर काम करें। और कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, तो जब केवल पैसे कमाने के लक्ष्य भी बनाए जा सकते हैं, कई लोग बनाते हैं, तो पैसे कमाने के साथ साथ परिवार चलाना, अच्छा चलाना और शरीर अच्छा बनाना, निरोगी रहना, स्वस्थ रहना, ऊर्जावान रहना, ऐसा युवाओं को, यही युवाओं की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पे उनको ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये स्वर्गीय रविंद्र सिंह की याद में धीरज सिंह हरीश और आगू ने ये प्रतियोगिता कराई है। ये जो हमारे गोरखपुर के जो उद्यमान खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक कंपटीशन मिला। चूँकि कोरोना काल में बहुत सी प्रतियोगिताएं स्थगित हो गई थी, अब इसकी इन लोगों ने शुरुआत की गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत, तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और स्वर्गीय रविंद्र सिंह की याद में ये जो प्रतियोगिता हुई है निश्चित तौर पर बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की प्रतियोगिता हुई और यहाँ पे सभी गोरखपुर के जो हमारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं उन सब ने प्रतिभाग किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता कराएंगे तो ये गोरखपुर के कलन
कैलेंडर में ये प्रतियोगिता जुड़ जाएगी और जो हमारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको एक अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आने वाले दिनों में वो अपने जिले का, प्रदेश का और देश का प्रतिनिधित्व कर सकें।